तो हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज जरा मेरी एनर्जी डाउन हुई है क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गया था। सुबह फिर 12 बजे तक उठ गया था मैं। वहाँ से फिर आज था जुम्मा मुबारक, तीसरा जुम्मा था रमज़ान का। तो फिर मैं नहाया धोया, जुम्मा पढ़ा, तो अब फ्रेश हुआ थोड़ा बहुत। अपनी अभी मेरी आंखों में नींद भरी हुई है, इसलिए थोड़ा आज ना मेरी एनर्जी डाउन हुई हुई है, इसलिए जरा स्लो स्लो बोल रहा हूँ। तो अभी तो फिलहाल आगे कर देखते हैं, अब क्या अभी लोग स्टार्ट कर दिया। आज दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तभी सामने दोस्त कराने लगा है अपनी बियर्ड सेट, तो मेरी भी देखो कितनी बड़ी हो गई भी है। फिलहाल काफ़ी दिन हो गए हैं, 18 दिनों से मैंने नहीं कराई पहली दफ़ा। मैंने तो मैं 5-6 दिनों बाद करा लेता था, इस दफ़ा 18 दिन हो गए, मैंने अब तक कराई नहीं है, किसी वजह से नहीं कराई थी। अब चलते हैं सामने बियर्ड कराते हैं। आज यार बियर्ड बियर सेट करा के रेडी हो चुके चले हैं। अभी जिसने कराई थी वो अभी ऊपर गया हुआ है, दो जनों ने कराई थी और एक ये है जिसने अब तक नहीं कराई। ये अब तक ऐसे ही है, तो देख लो लग रहा हूँ ना जैसे केले के ऊपर छिलका उतारा हो। बाकी मैं लखनऊ ना यार, बड़े दिनों बाद ना मैंने 18-19 दिनों के बाद मैंने खत कराया ना, इसलिए खुद को भी मुझे अजीब लगने लगा हुआ। खैर है, हो जाएगा थोड़े दिनों तक ठीक, पर जैसा भी लग रहा हूँ प्यारा तो हूँ ना। नहीं नहीं पागल हो गया। क्या कह रहा है? पागल हो गया। मर्जी तेरी। अच्छा यार अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आप देख सकते हो मैंने भी काला सूट पहना हुआ है, इसने भी काला सूट पहना हुआ है। तो हम जा रहे हैं, पहचान तो लो। एक जो ऊपर से आ रहा है वो आएगा फुल व्हाइट सूट पहन के, तो पहचान लो हम कहाँ जा रहे हैं। हम ग्रे पहना उसने, चलो उसने व्हाइट पहना था पर ग्रे पहन लिया। हम दोनों का अंदाजा लगा लो हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं शिया की मजलिस में। हम तो ना ही वो शिया हैं ना ही शाह हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हैं। और हम ना ही वहाँ पे मातम करने जा रहे हैं, हम ना ही वहाँ पे मजलिस सुनने जा रहे हैं, खुतबा कहते हैं खुतबा सुनने जा रहे हैं जो भी उनको कहते हैं। हम लोग तो जा रहे हैं बस वो अपना एक खिताब। तो लोगों तुम जो हो सुन्नियों की छोड़ के शियों में आ जाओ। नहीं ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। अच्छा मेन टॉपिक पे आते हैं, हम जा रहे हैं वहाँ पे अफ्तारी करने। अरे यार कोई अफ्तारी पे बुलाता ही नहीं है हमें, कोई अफ्तारी पे बुलाता ही नहीं। हमने कहा चलो कोई नहीं शिया की मजलिस ही सही। असल टॉपिक पे आता हूँ, वो ना रजब भट्ट जिसको आप लोग जानते होंगे, फेमस यूट्यूबर जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, उसने रखी है उस जगह पे टोकन न्यास बेग के पास अफ्तारी रखी हुई है। उसके बाद खुशी में ना 1 मिलियन होने वाले हैं, तो उसने कहा आज जिसने आना आज। हमें तो कोई तो बुलाता नहीं अफ्तारी पे, ना ही रिश्तेदार बुलाते हैं ना ही दोस्त वगैरह बुलाते हैं। तो हमने कहा यार चलो जिस जहाँ से मुझे इधर मौका मिल रहा है वहीं चले जाएँ अब। तो अब बस जा रहे हैं हम अफ्तारी पे, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। वहाँ पे हज़ारों वाम आई होनी है, रश का खूब लगा होना है। मैंने कहा चलो लेट तो चले इस दफ़ा भी, जलालत ही सही। अब बस वो आ रहा है, दोस्त नीचे आता है। ये देखो ये भी लड़ने का है, आ जाओ चलें, आ जाओ चाचा हम चलें, भाग गया। तो यार बस वो दोस्त नीचे आ रहा है, फिर हम चलते हैं तब तक लिए। भाई आगे और रेडी होके क्या प्यारा माल लग रहा है यार, माल लग रहे हो माल। मैम भी तो नहीं, मेरी भाभी आप पे फिदा हुई भी, इतने प्यारे लग रहे हो चेक करो। तो यार अब आ गए, हमें ना बस एक बात का डर लगा हुआ है, वो बात आप बता दो क्या। वो डर ये है कि उधर जगह मिली थी। नहीं जगह की डर नहीं, दूसरा डर क्या लगा हुआ है, घोड़े वाला, घोड़े को मुंह ना लगवाया। हम सबको पता है डर लगा हुआ है कि यार वो शिया उन्होंने घोड़े को मुंह ना लगवाया, जो उनके शियों की होती है हरकत वगैरह, जो उनकी रस्म और रवाज होता है कि वो हर खाने में हर पानी में घोड़े का मुंह लगा देते हैं। बस हमें ये डर लगा हुआ है। कह रहे हैं अब कंटिन्यू करते हैं, बोले टोके यार रोटी को। A few moments later. तो जी पहुंच चुके हैं, आ रहे हैं चेक करो फार्म का रश, रजब भट्ट की फैमिली। गेट उन्होंने बंद किया हुआ, देखो गेट कब खोलते हैं, रश तो खूब लगा हुआ है, हजारों में वाम आई भी है। भाई कैसे जाना अंदर? बहुत रश है यार, बहुत रश है। ये चेक करो औरतें कैसे धक्का दे दे के अंदर घुस रही है सारी, फिलहाल भी प्रोग्राम जा रहा है, एक दूसरे को धक्के दे दे के अंदर यही जा रही है। औरतें तुसी ग्रेट हो, वुमेन वुमेन तो एक दूसरे को धक्का दे रही है, लड़ रही है आपस में। मुझे जाने दो पहले, मुझे जाने दो, लड़ो लड़ो लड़ो, बाल फूट रहे दूसरों के। इधर सारी वुमेन्स लड़ लड़ के अंदर जाने लगी हुई हैं, उधर वुमेन्स ब्लॉग बनाने लगी हुई हैं सारा, बाकी सारे लोग तमाशा देखने लगे हैं इधर फिलहाल। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हुए चाहते हैं खान दादा फ्रॉम जियो न्यूज़, हमारे साथ रहिए, आपको हर एक बोलते खबरदार करते जाएंगे हम। देखो कैसे लड़ लड़ के अंदर जाई जा रही हैं औरतें, कैसे लड़ लड़ के जा रही हैं, कुटो यार एक दूसरों को, ये कुट क्यों नहीं रही। आज का सलामती प्रोग्राम आपके साथ शेयर करते हुए आपका चाहते हैं खान दादा और बातचीत
अब बंदे आज अफ्तारी मिल जाती क्यों नहीं, क्योंकि लोगों में जवाब दे आया हूँ क्योंकि अफ्तारी में नहीं है, आज मुझे जब कराएगा देखते हैं, अब कराते हैं कि यार पैर से पानी पीना पड़ेगा। अंदर तो आ गया, फुल फ्लावर प्रोग्राम चल रहा है, वो दोनों में से अलहदा हो चुके हैं, मैं अलहदा हो चुका हूँ, पता नहीं अब फोन भी नहीं मिल रहा, सिग्नल भी नहीं आ रहा, पता नहीं अब कहाँ पे कौन रक्षा कर सकते, कितना ज़्यादा लगा हुआ है फिलहाल। वो रहे जब के पापा जी आए, अच्छा खासा रश लगा हुआ, अच्छा खासा, पता नहीं अब देखो वो मिलते हैं कि नहीं मिलते, बाइक की चाबी भी उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, अलहदा हो चुके चले अब, पता नहीं अब देखो क्या होता है यार, इतनी आवाम आई थी, इतनी आवाम आई थी, आवाम से करो छतों पे भी चढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा रश लगा है, बहुत ज़्यादा, अंदर सारी लेडीज़ की जगह है और बाहर सारी जेंट्स की जगह है, बहुत ज़्यादा रश है यार, जलालत जलालत प्रोग्राम, अल्लाह का शुक्र है एक नमूना तो मिल चुका है यार, वो दूसरे को फोन करने लगा हुआ है फिलहाल, पता नहीं वो भी यहाँ की बसा हुआ है यार, इतना ज्यादा इतना रश, ज्यादा रश है, इतना ज्यादा, देखो वहाँ बहुत ज्यादा आई है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा वाम है, अभी तो आती वाम बाहर है जो अंदर नहीं आ पा रही, अंदर सारी लेडीज है, हाँ जगह है वहाँ पे, जगह है वहाँ पे, ये भी जगह चली चली जानी है, फिर को ढूंढ लेना पहले कहाँ पे है वो, ओह किधर चला गया, आ गया यार ये अभी, आपको पता है जहाँ पे सलाहत होनी होती है वहाँ पे आपका भाई मौजूद होता है, तो यार ये भी हम मिलते चले, वो भाई पता नहीं वहाँ से आ रहा है, रोज़ा खुलने में अब कम से कम 10 से 15 मिनट रह गए हैं, सलाहत फुल जा रही है यहाँ पे, फुल ज़्यादा सलाह चलने लगी है, फुल ज़्यादा, मैं तो कहता हूँ चलते हैं वापिस जाके घर, रोज़ा खोलते हैं, रोज़ा खोल के आते हैं वापिस, खैर हमने यहाँ पे बस पानी पुनी पीना पाए तो भाई जाके खड़ेंगे सारी जो भी सारी करनी है, लो हम यहाँ पे बैठ गए, अब जगह कोई नहीं मिली, आवाम देखो कैसे खड़ी है फिलहाल, आवाम को कोई जगह नहीं मिल रही, रश ही बहुत ज्यादा यार वहाँ पे, अपना उन्होंने खुतबा स्टार्ट किया है, चलो यार रोजा खुल गया शुरू करो, दुआएं पढ़ो, खुल गया रोजा, नहीं मजाक रोजा खुल गया, मैं तो कुछ खाते नहीं, मैं कहूँगा बोर्ड पे मुझे ये दे दो, मैं ऐसे रोजा खोल लूंगा, इससे यार मैं रोजा खोलता हूँ अपना, क्योंकि मैं मिला कुछ नहीं है, खजूर मैं वैसे खाता नहीं हूँ, इसी से रोजा खोलना पड़ेगा, अब आम सारी पागल हुई है जब के पीछे रोजा खुल गया, इनको समझ नहीं आ रही, रोजा खुल गया अबे, कोई सुन ही नहीं रहा मेरी, कोई नहीं मैं खोलता हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देख लो यहाँ पे रोजा खुल गया, आम की चीज से रोजा खो रही है, पकौड़ियों से और खजूरों से रोजा खो रही है, ना पानी पड़ा ना कुछ और पड़ा है, ये इनकी मोहब्बत, ये इनकी मोहब्बत, गला इधर वाम का सूखा हुआ है, ना वाम को पानी इन्होंने दिया, ना शब्बत दिया, ना कुछ दिया, आ गया झूठ क्यों बोल रहे हो, ये देखो चलो पानी अब आया ना, एक डोंगा आ गया बस पानी का, और कुछ भी नहीं दिया, पकौड़ियों से रोजा खोला है मैंने और खजूरों से खाला इन दोनों ने, बाकी वाम ने भी ऐसे ही रोजा खोला है, ये इनकी मोहब्बत, इसे कहते हैं फैमिली यार, इसे कहते हैं फैमिली, ये देखो वाम किस तरह रोजा खोने लगी है, ये देखो डोंगों का मुंह लगा पानी खोने लगी है, रोजा खोने ना इनको ग्लास दिया है ना कोई और चीज दी है, ऐसी वाम रोजा खोने लगी है ग्लास के बगैर ही, अब ये चेक करो ये इनका शरबत है, बीच में मक्खियां मरी हुई है ना, इनको कुछ तिलिका सिलिका यार, घर जाके सारे अनसब्सक्राइब कर देना रज्जा भट्ट को सारे, बस वाम सारी जलील होके वापस जाई जा रही है, अब देखो सारी वाम वापस घर जाई जा रही है, ना ही वो वाम के सामने आए ना ही कुछ और, सारी वाम देखो अपने घर की तरफ वापस जा रही है, किसी को कोई अफ्तारी नहीं मिली, कोई भी अफ्तारी नहीं मिली, जिसको ग्रास मिला उसको पानी नहीं मिला, जिसको पानी मिला उसमें बीच मक्खियाँ मिली हैं, बस ऐसी सारी जलालत, अब क्या करना ब्रो, करना क्या है जब का इंतजार करना हो गया, बस उसका इंतजार करते रहो अब सारे, ये देखो सारी वाम यहाँ पे आके रोजा खोलने लगी हुई है, जनरल स्टोर वाले का फायदा हो गया, जनरल स्टोर वाले की आज दिहाड़ी लग गई है यार, मैंने कहा ना जहाँ पे जलालती प्रोग्राम होता है वहाँ पे आपका भाई शामिल होता है, तो फुल जलालती प्रोग्राम था ये जो आज तक मैंने नहीं देखा यार, पहली दफा हमारी ऐसी अफ्तारी हुई है, पकौड़ी से पकौड़ी भी वो क्या जो अंदर से हमें मिली, कैसे हो, ठीक हो, आपको कुछ मिला खाने को, भैया ने जब मैं कुछ खिलाने रोजा था आपका, शर्मा गई बेचारी, शर्मा गई, तो अब यहाँ पे देख लो यहाँ पे भी सारे रोजे खोने लगे हैं जनरल स्टोर पर से, आ जाओ भाई आ जाओ, हम भी इन बोतलों से रोजा खोलेंगे, अब इससे अच्छा मैं यार घर से रोजा खोल के आ जाता ना, वो मुनासिब था, एडवांस एडवांस जो जो रजब देख लेना रजब को यार, अनसब्सक्राइब करना बनता है उसको सीरियसली,
आज तक वो हमारा प्यार था, अब वो हेटर बन गया, मैं उसका हेटर बन गया। मुसाद के अलावा बहुत दलील करा दिया आज। लो जी यार, आ गई हमारी अफ्तारी। आज 18वीं रोज थी, तीसरा जुम्मा रमजान का, तीसरा जुम्मा मुबारक। और आज इससे खुलने वाला है हमारा जलाल दी फुल प्रोग्राम। किसने चोरी की है? ब्लॉग बनाना अपना, जरा ब्लॉग बनाना यार, ब्लॉग बनाना। वालेकुम सलाम, ब्लॉग बनाओ, पकड़ा जरा। बिग सब्सक्राइबर ऑफ रजबट। डकी नहीं है, इतनी ज्यादा वाम आपकी यार पहन हुई भी है, पड़ी है इधर। नाम मिल रहा है आपको? नाम मिल रहा है वो देखो, यूट्यूब की पहली सैलरी। एक ये मेरे सब्सक्राइबर मिले हैं, मेरे बहुत बड़े फैन है ये। मेरे फैन नहीं हो आप? जैद मार, जैद मार, नीचे हो, नीचे मार, 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 अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, मार दे जैद, जैद मार, मार, बैंग दे, नीचे हो, बैंग दे, बैंग दे, बैंग दे, मार जैद, जैद जूती पकड़ता, जैद जूती पकड़ता, जैद मार जूती। तो रात का 1 बजने वाला है, मेरी एनर्जी इतनी डाउन हो गई है, इतनी डाउन हो गई है कि फुल डाउन हो गई है, कोई हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। तो मैं यह हट गया था अपना, अपनी ओरिजिनल अफ्तारी करने, जो मुझे कहीं से नहीं मिली थी। रात का 1 बजे मैं अफ्तारी करने लगा हूँ सेफली, वो बस एक स्ट्रिंग की बोतल पी थी, उससे गुजारा किया था। तो मैं बस यहाँ पे आ गया था अपने घर के पास सीट उस पर। खैर इसने तो अपना खा लिया, इसने तो अपना वो घर में मंगवा लिया था, क्या कहते हैं ग्रिल बर्गर वगैरह, इसने अपना पेट भरपूर लिया। मैं फिर जैसे ही हम आए ना घर, इसके भाई को फिर एमरजेंसी से कहीं जाना था, मैं फिर इसके भाई के साथ निकल गया। तो वहाँ से मैं भाई हूँ, अब फ्री हुआ हूँ, तो अब आके मैं अफ्तारी करने लगा हूँ यार। मतलब कितनी एनर्जी डाउन हो गई है, जिसम का हर एक पार्ट दर्द हो रहा है। तो ये खाता हूँ, फिर थोड़ी एनर्जी आती है मेरे अंदर, फिर आपसे कोई डिस्कस करनी है किसी बात पर, से अभी ज़रा वेट करो।
क्या करना चाह रहे हो? बस अब ये खत्म करते हैं, जान तो आ गई अपने अंदर पे, चलते हैं जल्दी से घर। ठीक है। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई के अंदर अब थोड़ी बहुत एनर्जी भी आ चुकी है और मैं घर वापस भी आ चुका हूँ। तो यार बात आपसे मैंने दरअसल में ये करनी थी कि आज मैंने व्लॉग में जो भी उल्टा सीधा अगर कुछ बोल दिया होगा तो उसके लिए माजरत, दिल से माजरत, क्योंकि यार हर किसी का अपना दीन होता है, हर किसी का अपना मजहब होता है, हर किसी का अपना इस्लाम होता है, हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट होता है, वो अब अल्लाह ही बेहतर जाने। मैं इन बातों में कोई इंटरफेयर मतलब कोई टांग अड़ाने वाला नहीं हूँ कि यार ये वो ये वो ये वो, मेरा कोई हक नहीं है इसमें, ठीक है ना, साफ सी बात है, ये अल्लाह ही जानता है, जो भी अल्लाह ही सब कुछ बेहतर जानता है, मैं कुछ नहीं होता। इसलिए मैंने आज व्लॉग में जो भी बोला यार, जो भी मुझे आई थिंक मैंने ऐसा कुछ बोला तो नहीं है, पर फिर भी अगर कोई ऐसे शियाजाद देख रही है या शाह देख रहे हैं जो भी मेरा व्लॉग देखेंगे तो उनको बुरा ना लग जाए। तो अभी तक मैंने व्लॉग अपना एडिट नहीं किया, इसलिए मुझे ना थोड़ा बहुत फील आ रहा था कि यार मैं आज कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर चुका हूँ व्लॉग में, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ बोला होगा, लेकिन फिर भी मैं माजरत करता हूँ अगर कोई भी ऐसा मैंने वर्ड बोल दिया हो। वो अलहदा बात है कि मुझे ना इस बात का डर लगा हुआ था कि मैं जा रहा हूँ, बल्कि दोस्तों ने भी, दोस्त क्या हर कोई जिनको मैं बता रहा था ना कि मैं ऐसी जगह पर जाना है, तो मुझे हर कोई कहने लगा हुआ था कि यार उन्होंने छिया है वो, उनका ये होता है रस रस मरुआज के वो घोड़े का घोड़ा, मुझे ना नाम याद नहीं आ रहा क्यों उसको क्या बोलते हैं, इसलिए मैं इसके लिए माजरत करता हूँ कि उसको मैं बार बार घोड़ा घोड़ा कही जा रहा हूँ। मुझे अल्लाह की कसम खाता हूँ मुझे उसका ना नाम याद नहीं आ रहा कि उसको क्या कहते हैं, शिया जो भी क्या बुलाते हैं उसको कह के, वो मुझे लोग कह रहे थे कि यार उनका ज़रा मुँह उन्होंने अंदर लगाया होता है या कुछ और ज़रा बीच में मिक्स किया होता है, तो जिसकी वजह से मैं बस इस मेरे ना इस वहम में मैं था, बस ये मुझे वहम था। खैर है मैंने वहाँ से कुछ खाया तो नहीं है, बस ये पकौड़ी मुझे मिली थी जो मैंने वहाँ से खाई है, बाकी तो मैंने बाइक से स्ट्रिंग भी ली थी, बाकी मैंने शुगर मेरा लगाया जो भी एंटरटेन किया, एंटरटेन के लिए व्लॉग बनाया, एंटरटेनमेंट होने के लिए भी और आप लोगों को भी दिखाने के लिए, वैसे शुगर मेले में मजाक में तो वो मैंने किया, तो दैट्स इट। तो यार बाकी बात रही रजब ब्रांड की, तो यार वो एक ब्रांड है, उसके लिए भी दिल से रिस्पेक्ट है, मैंने उसके लिए जो जो बोला कि उसको अनसब्सक्राइब करो, ये कर देना, वो कर देना, तो उसके लिए भी दिल से सॉरी। मैं बस एक शुगर मेरा लगाना चाह रहा था, मुझे पता है यार लाहौरी वहाँ का मुझे पता है, ऊपर से ना वो जो जगह उसने चूज़ की हुई थी ना बहुत ही ज़रा पिंड टाइप में थी, ठीक है ना, थोड़ा पिंड था, ठोकर न्याज बेग में तो वैसे ही ज़रा चूड़े टाइप रहते हैं, इस बात का आपको भी इल्म होगा, तो जो चूड़े देते हैं उनको पता होगा, उनकी तो सारी रिश्तेदारी वहाँ पर रहती है ना। तो यार बस मुझे ना वो मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि उनका मसला बन गया होगा रजब का, क्योंकि वहाँ पे इतनी टेस्ट सिक्योरिटी नहीं उसने की हुई थी, ये उसका एक था नुक्स, तो खैर है वो बेहतर जानता है जो जो सीन हुआ है। एक उसने एक गलती किया कि उसको ना मजलिस के बीच ऐसा प्रोग्राम भी बनाना चाहिए था, क्योंकि यार लाहौरी वाम का तो आप लोगों को पता ही है, ये इस्लामाबाद थोड़ी ना कि शांति से सब कुछ हो जाए। खैर है जो होना था हो गया, और रजब ब्रांड के लिए भी दिल से रिस्पेक्ट है, बाकी आप सबको भी दिल से रिस्पेक्ट है, जो मैंने बोला उसके लिए मैं अगेन सॉरी करता हूँ। तो अभी तो यार बहुत मौसम, बस ये मैंने टॉपिक पे बात करनी थी, तो यार अभी तो मौसम बहुत ही स्मैक्सी किस्म का हुआ है, आपको छत पे लेके चलता हूँ, बस अब डेढ़ भी बज गया है तो थोड़ी देर तक सैरी का टाइम हो जाएगा, मैंने व्लॉग भी एंड करना है क्योंकि बहुत लंबा चला गया मेरे ख्याल से, और छत पे चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं माहौल छत का भी। अल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा इतना हसीन मौसम हुआ है यार, माशाल्लाह इतना हसीन मौसम, बादल गरज रहे हैं, हल्की हल्की आवाज़ आ रही है क्योंकि ना पहले बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगी थी, देखो बिजली भी चमकेगी, 1 2 3 कैमरा ऑन किया मैं ना, हल्की हल्की आपको नज़र आ रही होगी। तो यार अब यहीं पे दो अपने भाई को इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, देखेंगे उसका क्या मैं कंटेंट बनाऊंगा, तो तब तक के लिए देखो ये चीज़ तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक क्या बोलोगे ब्रो? तब तक के लिए हमें पैसे सेंड करो, नहीं यार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस।